नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं पुलिस वाला न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। इंदौर में इन दिनों पुलिस गुंडों के विरुद्ध कार्यवाही कर रही है। उसी तार में पुलिस लगातार क्षेत्र के गुंडों को थाने बुलाकर डोजियार भरवा रही है ताकि यह अपराध ना करें, और अगर अपराध करते हैं तो इन्हें रासुका झेलनी पड़ेगी। यह नजारा इंदौर के पश्चिम क्षेत्र के छत्रपुरा थाने का है। नजर आ रहा है यह पुराने अपराधी हैं जो कई संगीन अपराधों में जेल जा चुके हैं। वहीं जेल से रिहा होकर अब थाने के चक्कर तो लगा रहे हैं, वहीं पुलिस भी इनसे अपील कर रही है कि अब यह शांति से रहे वरना रासुका झेले। पश्चिम क्षेत्र के पुलिस अधीक्षक महेश चंद्र जैन के मुताबिक इन आरोपियों को थाने बुलवाकर डोजियार भरवा जा रही है ताकि ये अपराध ना करें, और अगर आने वाले दिनों में एक किसी भी मामले में कोई भी अपराध करते पकड़े जाते हैं तो अब सीधा इन पर रासुका लगाई जाएगी। ऐसा नजारा पश्चिम क्षेत्र में लगातार देखने को मिल रहा है, जहां कई अपराधी अब थानों के चक्कर लगाकर डोजियार भर रहे हैं। महेश चंद्र जैन, SP पश्चिम। पुलिस महानिरीक्षक इंदौर जोन श्री योगेश देशमुख साहब के निर्देश पर जिले के समस्त थानों में सूचीबद्ध गुंडे बदमाशों को थाने पर बुलाया जा रहा है। सभी से वर्तमान स्थिति में एक डोजियर भरवाया जा रहा है। उनके गुजर बसर के क्या साधन हैं वो जानकारी प्राप्त की जा रही है। साथ ही बहुत स्पष्ट रूप से यह चेतावनी भी दी गई है कि यदि आपके द्वारा भी किसी भी प्रकार का कोई अपराध किया गया तो आपका भी वही हश्र होगा जो दूसरे गुंडे बदमाशों का पिछले दिनों देखने को मिल रहा है। टोटल कितने हैं सर, पश्चिम क्षेत्र की हम बात करें सर? छत्रपुरा में ही 100 से अधिक लोग, जैसे कि आप देख रहे हो, पूरा थाना इस समय भरा हुआ है और थाने में यही स्थिति पश्चिम इंदौर जिले के सभी थानों की है। और टोटल कुल मिला के आज की उपस्थिति में सभी थानों में लगभग 700 के करीब पुराने गुंडे बदमाश जो थानों पर रजिस्टर्ड हैं उनको बुलाया गया है। जैसा बताया कि उनका डोजियर आज की स्थिति में भरवाया जा रहा है और उनको बड़ी सख्त चेतावनी दी जा रही है, जो शायद आपने भी महसूस की होगी। तो आपने बड़ा अभियान चलाया था सर कि शांति से रहो नहीं तो झेलो रासुका। यस, पिछले दिनों में इंदौर जिला पश्चिम में पुलिस के द्वारा शांति से रहो या झेलो रासुका अभियान चलाया जा रहा था और उसके तहत अभी तक 48 जिला बदर हमारे द्वारा किए गए थे। पुलिस वाला न्यूज से सिटी क्राइम रिपोर्टर संजय वर्मा की रिपोर्ट। वीकली बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।